गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुपर बात। आशा करती हूँ कि आप सब बच्चे स्वस्थ और कुशल होंगे। आपने अब तक अपनी नैतिक शिक्षा बुक के पार्ट 1 से 3 कर लिए हैं। आज मैम आपको आपकी नैतिक शिक्षा बुक का पार्ट 4 तुम ही एक नाथ करवाएंगे। तुम ही एक नाथ का मतलब है कि हे प्रभु, आप ही एकमात्र मेरे स्वामी और मेरे सहारा हो और मेरे मालिक हो। तो आज हम इस प्रार्थना को पढ़ेंगे और इसका अर्थ समझेंगे। पितु मातु सहायक स्वामी, सखा तुम ही एक नाथ हमारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। हे प्रभु, तुम ही मेरे पिता, तुम ही मेरे माता और सहायक का अर्थ होता है सहायता करने वाले हो, और तुम ही मेरे स्वामी अर्थात मालिक और सखा। सखा का अर्थ तो आप सबको पता ही होगा, मित्र, कि तुम ही मेरे मित्र हो, तुम ही एक नाथ हमारे हो। इसका अभिप्राय है कि हे प्रभु, तुम ही मेरे माता पिता सहायक सहायता करने वाले, स्वामी मालिक सखा मित्र हो। जिनकी कुछ और आधार नहीं, और जो लोग जिनका कोई भी और आधार नहीं है, जिनका कोई सहारा नहीं है, तुम उनके भी सहारे हो, उनके भी रखवाले हो, तुम उनकी भी रक्षा करते हो। जिस तरह से माता पिता हमारी सहायता करते हैं, क्योंकि हमने ईश्वर को तो देखा नहीं है और हमारे सामने तो हमारे माता पिता ही ईश्वर के समान है, तो जिस तरह से हमारे माता पिता हमारी सहायता करते हैं, उसी तरह है प्रभु आप सबकी सहायता और रक्षा करते हो। सब भांति सदा सुखदायक हो, दुख दुर्गन नाशन हारे हो। सब भांति सदा सुखदायक है प्रभु, आप सदा हमेशा सुख देने वाले हो। कभी भी आप किसी को कोई भी दुख नहीं देते, बल्कि आप तो उस मनुष्य के अंदर जितने भी दुर्गुण बुरे गुण हैं, बुरी आदतें हैं, उनको हटाते हो, जिससे वह मनुष्य अपने दुख दूर करके सुख को पाता है। प्रतिपाल करो सिगरे जग को, अतिशय करुणा उर धारे हो। प्रतिपाल मीन्स हर पल हर समय आप सिगरे जग को, सिगर का मतलब होता है सारे जग को, सारे संसार को ध्यान रखते हो। क्यों रखते हो? क्योंकि आपके हृदय में तो इतनी करुणा इतनी दया है कि आप हर पल एक भी क्षण ऐसा नहीं है जब आप सारे जग का ध्यान सारे दुनिया का ध्यान नहीं रखते हो। भूली है हमें ही तुमको, तुम तो हमरी सुधी नहीं बिसारे हो। हम भी मनुष्य ऐसे हैं जो हम सुख में तुम्हें भूल जाते हैं, और जब हमारा हमें कोई दुख होता है तब हम तुम्हें याद करते हैं, लेकिन तुम प्रभु करुणामय इतने दयालु इतने करुणामय हो कि तुम तो हमें ना हमारे सुख में और ना ही हमारे दुख में हमें भूलते हो। जैसे कभी कभी बच्चे खेल में इतने मस्त हो जाते हैं कि वो भूल ही जाते हैं कि हमें घर भी जाना है, और लेकिन उनके माता पिता उन्हें कभी नहीं भूलते, वो उन्हें ढूंढ लेते हैं और उन्हें अपने साथ घर ले आते हैं। इसी तरह है प्रभु, हम चाहे अपने सुख में तुम्हें भूल जाए, लेकिन तुम हमें कभी भी नहीं भूलते हो। उपकारन को कुछ अंत नहीं, छिन ही छिन जो विस्तारे हो। उपकारन को हे प्रभु, आपने हमारे पर इतने अनगिनत अनंत उपकार किए हैं जिसका कोई भी अंत नहीं है, और वह दिन भर क्षण भर क्षण बढ़ते ही जा रहे हैं। अर्थात आपके उपकार इतने हैं कि वो अनंत है और वो बढ़ रहे हैं, कम होने की बजाय वो बढ़ रहे हैं। ये प्रभु ये सिर्फ आपकी कृपा से है, आपकी दया से है। महाराज महामहिमा तुमरी, समझे बिरले बुधिवारे हो। हे प्रभु, आपकी महिमा इतनी महान है, इतनी महान है जिसे सब लोग नहीं समझ सकते। कुछ ऐसे नादान लोग हैं जो आपकी इस महिमा को नहीं समझते, सिर्फ जो बिरले जो बहुत कम लोग बुद्धिमान लोग हैं वही सिर्फ आपकी इस महिमा को समझते हैं और जानते हैं। शुभ शांति निकेतन प्रेम निधे मन मंदिर के उजियारे हो। शुभ शांति निकेतन, निकेतन का मतलब होता है घर, आप तो शुभ शांति के घर हो, प्रेम प्यार के भंडार हो, और आप हमेशा हमारे मन के मंदिर में उजियाला करने वाले हो। इस जीवन के तुम जीवन हो, इन प्राणन के तुम प्यारे हो। हे प्रभु, मेरे इस जीवन को देने वाले सिर्फ तुम ही हो, तुम ही हो जिसने हमें इस धरती पर
जीवन दिया है और तुम मुझे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यारे हो। तुम सो प्रभु पाए प्रताप हरि के हिक अब और सहारे हो। हे प्रभु, जिसको तुम जैसा सहारा मिल जाए उसे किसी और सहारे की जरूरत नहीं है। तो हे प्रभु, तुम ही एक ना, तुम ही एक मेरे स्वामी, सखा, माता पिता हो और मुझे किसी और सहारे की भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमें सिर्फ आपकी ही उपासना करनी चाहिए। तो आज आप इस कविता को अच्छे से पढ़ेंगे और इसको अर्थ को समझेंगे और अगले कल मैम आपको इसका भावार्थ और इसके प्रश्न उत्तर करवाएंगे। धन्यवाद।